हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब? आई होप आप सबको जानते हो। अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। वी ऑल द CMA टीम मेंबर्स ऑफ अग्रवाल क्लासेस आर हियर टुगेदर टू डिस्कस एंड लेट यू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू CMA, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, एंड इवन टू लेट यू नो कि हमारा बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है फॉर ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस। आई एंड विपुल सर विल बी शेयरिंग अ वीडियो वेरी सून, द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, कब कौन सा सिलेबस आपको देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल। बट येस, यू हैव टू वेट फॉर दैट। जैसे ही वो वीडियो हो जाएगा, द लिंक विल बी शेयर्ड इमिडिएटली विथ यू। बट नाउ संकेत सर विल बी डिस्कसिंग एंड शेयरिंग विथ यू एवरी थॉट रिलेटेड टू हाउ वी टेक CMA क्लासेस, वॉट डिफरेंट वी डू फ्रॉम दी अदर क्लासेस, एंड हाउ इज दैट यूजफुल टू यू। थैंक यू। CMA के बच्चों को सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, कई क्लासेस में उनका एक्सपीरियंस आता है कि सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ, टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको ये इवेल्युएट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है कि हम लोग कैसे एग्ज़ाम फेस करेंगे, हमारी तैयारी कितनी हुई है। इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया है अग्रवाल क्लासेस इस एक बुक में। इस बुक में क्या है, हर सब्जेक्ट का स्टार्ट डेट और एंड डेट, सब्जेक्ट का मतलब पूरे सब्जेक्ट का नहीं, हर टॉपिक का, तो आप प्लान कर सकते हो आपकी स्टडीज। आपका अगर कुछ मिस हुआ है तो एग्जैक्टली किस टॉपिक के कितने लेक्चर्स मिस हुए हैं ये आपको पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। उससे भी बड़ी बात कि टेस्ट का बहुत ही टेंशन होता है कि टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या टेस्ट कितने होंगे, या वीकली टेस्ट मतलब एग्जैक्टली क्या, हफ्ते में एक टेस्ट हो गया उसको वीकली टेस्ट बोल दिया, क्या उतना काफ़ी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अग्रवाल क्लासेस उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन लाया है। आपको हर सब्जेक्ट का एक वीक में एक टेस्ट होगा, मतलब ग्रुप वन में अगर चार सब्जेक्ट्स है तो वीकली चार टेस्ट होंगे, उसका शेड्यूल सिलेबस हर दिन का आपको गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्राइडे को पोस्टिंग का टेस्ट होने वाला है तो किस डेट को, किस फ्राइडे को, कौन से चैप्टर पे टेस्ट होने वाला है, इसका शेड्यूल आपको एडमिशन के वक्त ही मिल जाएगा। तो कोई भी शेड्यूल में बदलाव नहीं होंगे, आप पूरा प्लानिंग डे नंबर वन पे कर सकते हो एग्जाम तक का। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर्स जो पूरे सिलेबस पे से होंगे वो अलग, मैराथन और रिवीजन बैचेस होंगे वो अलग। तो थ्रू आउट बैच हम लोग आपकी पूरी चिंता करेंगे कि आप पक्का 100% गारंटी के साथ CMA का एग्जाम पास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सब हम तो करेंगे, बट आपको सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करना है कि सारे लेक्चर्स रोज अटेंड करने हैं, और एंड तक अग्रवाल क्लासेस के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको जो जो सजेशंस दे रहे हैं वो सारे सजेशंस आपको एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपको ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये किताब और इतने सारे अश्योरेंसेस आपको कोई क्लास नहीं दे सकता। बाकी आपको सिर्फ CMA बनना इम्पॉर्टेंट है, या अच्छी से अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है CMA बनने के बाद, और उसके लिए अग्रवाल क्लासेस क्या करता है, ये विपुल सर डिटेल में बताएंगे। हाय फ्रेंड्स, हाय, होप सब लोग अच्छे हैं। जैसे सर ने कहा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब कंपेयर टू अदर क्लासेस हम अलग क्या करते हैं, तो आज मैं बात करने वाला हूँ। आई स्टार्ट विथ स्मॉल स्टोरी। गाइस, मैंने 2011 में CMA कंप्लीट किया। मैं और मेरा फ्रेंड था, हम दोनों ने जॉब स्टार्ट किया। उसका जो स्टार्टिंग पैकेज था वो 8,000 था और मेरा 25,000 था। नाउ ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें सोचना ये है कि वो डिफरेंस क्या था 17,000 का। एक ही एग्ज़ाम दी थी दोनों ने, स्टडी मटेरियल सेम था, इंस्टीट्यूट सेम था, पासिंग ईयर भी सेम था, तो सब कुछ सेम था। तो ये जॉब का जो डिफरेंस है वो क्यों है, आप समझदार हैं, एंड वही मैं बताने जा रहा हूँ कि ओनली गेटिंग डिग्री इज़ नॉट इनफ। इतना अगर आसान होता तो बहुत सिंपल होता, आप CMA बन गए, नेक्स्ट डे आपको कंपनी का लेटर आता कि कल सुबह 9 बजे आपको हमारी कंपनी ज्वाइन करना है। कंपनी बाद में इंटरव्यू लेती है एंड बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। सो वो बेस्ट बनने के लिए ओनली डिग्री इज़ नॉट इनफ, नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए हम यहाँ पे कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वी फोकस मोर ऑन लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे हम जो भी प्रोविजन्स पढ़ा रहे हैं हम उसका हिस्ट्री बताते हैं, ये प्रोविजन कैसे आया। प्लस मैं खुद टैक्स पढ़ाता हूँ, तो जहाँ पे मैं पढ़ाते से मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको 40% एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने मेरे से पहले पढ़ा रहेगा तो यू माइट हैव रियलाइज दिस कि मैं लेक्चर में हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आर्टिकलशिप में प्रॉब्लम ना हो। सो एवरी फैकल्टी इज टेकिंग एफर्ट्स फ्रॉम देयर साइड टू गिव यू एक्स्ट्रा इनपुट्स विच आर ओवर एंड अबव एकेडमिक्स। आप बोलेंगे कैसे पॉसिबल है, बिकॉज वी हैव फैकल्टीज फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो भी लोग सिखा रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, ऑलरेडी जॉब किया है, मैंने खुद जॉब किया, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है। सो वी ट्राई टू गिव यू एकेडमिक प्लस इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, जिससे आपको आर्टिस्ट के मिलने में इजी होगा।
प्लस हम आपको उसमें मदद करते हैं बीइंग अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। इवन हम स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कि कहाँ पे आपको जॉब करनी चाहिए, कहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए। सो वी हेल्प इन एवरीथिंग। सो रिक्वेस्ट टू एवरीवन, हमारे रिजल्ट्स आप एक बार देख लीजिए एंड प्लस आई विल बी अपलोडिंग फ्यू वीडियोज़ फॉर यू, जिसमें हमारे जो 5 स्टूडेंट हैं उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ये जल्दी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। आप उनको ज़रूर देखिए ताकि आपको आइडिया आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग डिफरेंटली। ओके, नाउ आई विल बी हैप्पी टू आस्क शुभम सर टू डिस्कस समथिंग विद यू। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो नाउ जैसा आपको सर ने, संकेत सर ने, स्नेहा मैम ने, विपुल सर ने बताया, उन्होंने अलग अलग चीज़ आपको बताई हमारे क्लासेस के बारे में, तो एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा मैं आपके सर। एक बार ना क्या हुआ, हम लोग ना घूमने के लिए गए थे सब दोस्त लोग। सो वी ऑल वर हंग्री, सो हम लोग कुछ 8-10 लोग थे, तो लाइन से ना बहुत सारे रेस्टोरेंट लगे हुए, तो कोई कह रहा है मैं यहाँ पे जाऊँगा, कोई कह रहा है मैं वहाँ पे जाऊँगा। मेरे रास्ते में मेरे को सामने एक ही रेस्टोरेंट दिख रहा था, बड़ा अहम दिख रहा था येलो कलर में, मेरे को पता था मैंने जो खाना है वो मैकडोनल्ड्स में ही खाना है। एक दोस्त चला गया लेफ्ट साइड के रेस्टोरेंट में, एक चला गया आगे राइट साइड के रेस्टोरेंट में, एक उसके आगे चला गया। खाना सबने खाया, तबीयत मेरी अच्छी थी, एक का तो खाना भी नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, तो वो ऑर्डर देने के लिए बैठा, वेटर ही आया नहीं, रुका रहा खाने को ऑर्डर दे दिया, हम लोग की गाड़ी निकलने का टाइम हो गया, खाना आया नहीं, उसका पैसा वेस्ट हो गया। कुछ दोस्त लोगों ने खाना मंगवाया, खाना खराब आया, खाना खा के पेट खराब हो गया। मैंने मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाया, बर्गर खा के मेरा हेल्थ भी ठीक था, मेरी ट्रिप भी अच्छी थी। तो ये स्टोरी का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये स्टोरी का कंक्लूजन ऐसा है स्टूडेंट्स कि इफ़ यू वॉन्ट टू चूज द राइट थिंग फॉर योर करियर, चूज द बेस्ट। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैंने बेस्ट चूज़ किया, मैं खड़ा था, मैं ट्रिप एंजॉय करके आ गया। आपकी सीएमए की जर्नी अगर आपको अच्छे से क्लियर करनी है, अच्छे से यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम विपुल सर, फ्रॉम स्नेहा मैम, फ्रॉम संकेत सर, फ्रॉम माई सेल्फ, हम लोग आपको इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे। अग्रवाल क्लास इज दी ओनली क्लास 20 साल से जो सीएमए का एक्सक्लूसिव बैच ले रहे हैं। सो फिर देर किस बात की, नीचे दिया गया नंबर है ना, 8886886, उस पर कॉल करो, अपनी सीट बुक करो, बाकी मिलता है क्लास के अंदर। बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय।